फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं आमड़ा का चटनी। इसे हम कर्नाटका में अंबाड़े गुज्जू कहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए माय लिटिल वर्ल्ड फॉर कुकिंग एंड होम रेमेडीज वीडियोस के लिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आमड़ा चटनी बनाने की विधि की तरफ। आमड़ा चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 लाल मिर्च, मेथी के सीड्स 1 स्पून, मस्टर्ड सीड्स 1 स्पून, धनिया सीड्स 1.5 स्पून, नारियल जितना आप चाहे तो ले सकते हैं, और गुड़। फाइनली हमें जो चाहिए वो है अंबाड़े, जिसे हम अंबाड़े की गुज्जू बनाने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम गैस में एक कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 स्पून ऑयल। ऑयल को हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल हीट होते ही हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च और लाल मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाल मिर्च फ्राई होने के बाद हम उसमें डालेंगे मेथी के सीड्स। मेथी के सीड्स को भी लाल मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड्स को भी तेल में अच्छे से पटपटा लेते हैं। नेक्स्ट उसमें जाएगा धनिया, धनिया के सीड्स, उसे भी हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। बाद में हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल को भी अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें फ्राई किए हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने अभी इस मिक्सर के जार में सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डालकर इसकी ढक्कन ढक देती हूँ। अब इसका स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई रख लेते हैं गैस पे। उस कढ़ाई गरम होते ही उसमें डालेंगे 1 स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल गरम होते ही हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को तेल में अच्छे से पटपटा लेने के बाद हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग पाउडर। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा पिसी हुई मसाले। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम इसमें डाल देते हैं, ताकि हमें गुज्जू का कंसिस्टेंसी मिल सके, यानी कि चटनी की कंसिस्टेंसी हमें मिल सके। ये देखिए, इसमें हम अब डालेंगे अंबाड़ियों को। अंबाड़े को अब इसी मसाले में हमें कुक करना है। अंबाड़े डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये बॉईल आने के लिए शुरू हो चुका है। हमारा चटनी में बॉइलिंग आने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा, आधा बाउल गुड़ काफ़ी है। ये देखिए, अब इसमें बॉइलिंग आ रही है, अच्छे से पक रही है। अब इसका ढक्कन ढककर हम
थोड़ी देर तक इसे लो फ्लेम में पका लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्वादिष्ट अंबाड़े गोचू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे चपाती के साथ, राइस के साथ और डोसे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।